साल 2019 में स्वामी नित्यानंद पर दुष्कर्म और बच्चियों के अपहरण का मामला दर्ज हुआ, जिसके बाद वो गायब हो गया और कुछ समय बाद पता लगा कि उसने अपना देश बना लिया है। कैलाशा नाम से कथित टापू नुमा देश को दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू राष्ट्र कहते हुए अपील की गई है कि जो लोग भी हिंदू धर्म की बेखौफ प्रैक्टिस करना चाहे वो यहाँ आ सकते हैं। देश की आधिकारिक वेबसाइट बन गई, जिसमें वहाँ के झंडे और बाकी तामझाम के बारे में बताया गया है। कैलाशा की करेंसी भी है, जिसे कैलाशियन डॉलर कहते हैं। भगोड़े गुरु ने क्लेम किया कि उन्होंने दूसरे देशों के साथ करार भी कर रखा है ताकि वित्तीय लेन देन चलता रहे। कैलाशा में अपना स्वतंत्र शासन होने का दावा किया जा रहा है। इसमें गृह मंत्री भी है, रक्षा मंत्री भी है और आवास, मानव संसाधन और शिक्षा जैसे दूसरे मंत्रालय भी है। साउथ अमेरिका में कई द्वीपीय देश ऐसे हैं जहां आइलैंड खरीदा जा सकता है। आमतौर पे रईस बिजनेसमैन ऐसा करते हैं और टापू को हॉलीडे स्पॉट की तरह तैयार कर लेते हैं। आइलैंड की कीमत लोकेशन के हिसाब से कम ज्यादा होती है। मसलन सेंट्रल अमेरिका में आइलैंड सस्ते में मिल जाते हैं, जबकि यूरोप में इसकी कीमत बढ़ जाती है। ब्रहामास और फ्रेंच पोलिनेशिया जैसे इलाके में आइलैंड खरीदना आसान नहीं है। नित्यानंद ने इक्वाडोर के एक टापू पर अपना देश बनाने का दावा किया है। इसे रिपब्लिक ऑफ कैलाशा नाम दिया गया है। दूसरे देशों के तर्ज पर यहाँ भी मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, अंग्रेजी, संस्कृत और तमिल। कमल का फूल यहाँ नेशनल फ्लावर है और नंदी, जो कि शिव वाहन है, उन्हें नेशनल एनिमल कहा जाता है। तो इस तरह से किसी देश में दिखाने वाली तमाम छोटी बड़ी चीजें इस कथित देश ने जुटा ली है।